ग्यारह बज गई है, 11 PM नाइट, 28 अगस्त 2021 शनिवार का दिन आज, 28 अगस्त 2021 रात की 11 बजे, 11 PM नाइट। और अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टेक्निकली पूरी तरह से। मंडे से जो वीक स्टार्ट होने वाली है, 30 तारीख से जो वीक स्टार्ट होगी 30 अगस्त 2021 से, उसके लिए हम पूरा डिस्कस करेंगे टेक्निकल। तो प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप करिए देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको स्किप करके देखने की आदत है तो मैं उसमें तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए सीधे सीधे चार्ट्स पे। तो मैं सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये 6 मंथ्स का निफ्टी का डेली चार्ट है, लास्ट 6 मंथ्स का कैंडलस्टिक डेली चार्ट है। डेली चार्ट मतलब एक दिन की एक कैंडल है इसमें, एक पूरे दिन की एक कैंडल, और पिछले 6 महीने का ये। तो जो फ्राइडे को यस्टरडे, कल जो फ्राइडे था, उसमें निफ्टी ने 16,642 का ओपनिंग किया, 16,642 की ओपनिंग थी, 16,722 एक नया ऑल टाइम हाई बनाया गया कल निफ्टी में, नया ऑल टाइम हाई बना 16,722 का। और 16,565 का कल लो बनाया, 16,565 का लो बनाया, और कल की जो क्लोजिंग आई है वो 16,705 की आई है, 16,705 की आई है, जो कि जो क्लोजिंग भी है वो ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग एवर इन द हिस्ट्री आई है। और कल की जो कैंडल है एक हैमर तरीके से बनी है, लेकिन जब ये अप ट्रेंड में बनता है तो इसको हैमर नहीं बोल सकते आप, जनरली इसको हैंगिंग मैन भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बनाए। तो एक ये बुलिश कैंडल ही है कल की, और कल एक ब्रेकआउट भी आया क्योंकि 712 के ऊपर निफ्टी ने नया हाई बनाया। दूसरा, कल की क्लोजिंग जो है वो अब तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग थी, वो थी 636 की, उससे काफ़ी ऊपर क्लोज किया है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट है। और नेक्स्ट वीक 17,000 छूने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखा रहा है, नेक्स्ट वीक 17,000 छूने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखा रहा है, क्योंकि अब तक की आज तक की जो होल ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो 16,636.90 थी, और कल फ्राइडे को इसने 705 का क्लोजिंग किया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी तेज़ी का संकेत दे रहा है। कम से कम भी 200-250 पॉइंट तो बढ़ सकता है निफ्टी यहाँ से। अब आज एक कुछ इंडिकेटर्स पे भी देख लेते हैं। RSI ओवरबॉट पे भी 73 के ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा ये भी आपको देखना पड़ेगा। स्लो स्टोकेस्टिक 15 दिनों का 15 पीरियड्स का 90 के करीब आ चुका है, लेकिन अभी काफ़ी जगह है। तो ये डेली चार्ट में अभी तक दिखा रहा है 200-250 पॉइंट, आराम से 300 पॉइंट भी बढ़ सकता है निफ्टी नेक्स्ट वीक। अब इसी को अगलो थोड़ा ब्रॉडर चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट, तब हम 2 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं और वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। यहाँ पे हर एक कैंडल एक वीक की है, जो एक एक कैंडल है वो पूरे एक वीक की कैंडल है। तो आप देख सकते हो क्लियर कट एक बुलिश वीक रही है आज, ये लास्ट वीक जो रही है, और सबसे टॉप स्तर पे क्लोजिंग आई है, सबसे टॉप। पूरे वीक का लो था 16,395, इस पूरी वीक का लो था 16,395, इस पूरी वीक का हाई था 16,722, और इस पूरी वीक की जो क्लोजिंग आई है वो हाई के नज़दीक ही आई है 705 की। तो अपने आप में एक बुलिश कैंडल दिखा रहा है, और सबसे बड़ी बात है पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। पिछले वीक का हाई था 701, पिछले वीक का हाई था 701.85, उसके ऊपर क्लोज करने का मतलब इतना हम मान सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी एटलीस्ट 300 पॉइंट बढ़ सकता है, 300 पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक
बियरिश शाइन बनी थी पिछले वीक में, लेकिन उसके ऊपर क्लोज करने का मतलब इतना मूव तो ऊपर आ सकता है, 17,000 हमारा क्वाइट ए पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीक एज पर वीकली चार्ट। अब वीकली में भी हम RSI वगैरह देख लेते हैं, वीकली RSI भी 73 के करीब पहुंच गई है और वीकली स्टॉक स्टिक थोड़ा काफ़ी बढ़ चुका है, 95.50 है, लेकिन फिर भी हम मैंने वीकली को 98-99 भी देखा है। अब आ जाते हैं इसी का मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि मंथ का भी खात्मा होने वाला है। मंथ का खात्मा हालांकि मंगलवार को होगा, मंगलवार को 31 तारीख आप सबको पता ही है। तो मंथली चार्ट तो एक क्लियर कट एक बुलिश दिखा रहा है अभी तक, तो इस मंथ में तो ओपनिंग और लो लगभग सेम है। इस मंथ का ओपनिंग था 874, इस मंथ का अगस्त मंथ का ओपनिंग था, ये महीना आपका 2 तारीख से स्टार्ट हुआ मंथली, मैं एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मंथली मतलब कैलेंडर मंथ। 15874 पे मंथली ओपनिंग थी, 15834 का ही लो बना, मतलब ओपनिंग से सिर्फ 50 पॉइंट नीचे गया था, 40 पॉइंट, और इस पूरे मंथ का हाई है 16722 और अभी तक की मंथली क्लोजिंग 705 है, लेकिन मंथली क्लोजिंग आएगी 31 तारीख को मंगलवार के दिन। तो ये भी एक बुलिश इशारा ही कर रही है अभी तक तो। और इसकी भी RSI देख लेते हैं, इसकी RSI थोड़ा सा 76 के ऊपर जा चुकी है मंथली RSI, तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो दिखा रही है, क्योंकि 76 के ऊपर आप देखो इतने दिन से मंथली RSI को आप देख सकते हो, ये हाईएस्ट पे ही है। मैं अगर यहाँ पे इसको 6 साल भी कर देता हूँ, 5 साल भी, तो 5 साल में आपको RSI में दिखेगा थोड़ा सा ओवरबॉट मंथली चार्ट है। ये हाई था, हाँ यहाँ 78 तक गया था, तो थोड़ा सा जगह ओवर है, 200-300 पॉइंट का तो जगह दिखा रहा है, 300 पॉइंट 350 पॉइंट और बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद काफ़ी ओवरबॉट हो जाएगा और एक बड़ी मंदी आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट। अब आ जाइए, मैं निफ्टी का ही 15 मिनट का एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट्स का, जहाँ पे आपको देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना, आप ठीक से देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे, ये एक टॉप था, ठीक है, ये एक टॉप था, ये एक टॉप था और ये एक टॉप था, तो ये आपको दिख रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल का नियम होता है हायर लोस एंड ऑलमोस्ट इक्वल हाइस, मतलब रेजिस्टेंस जो लाइन होती है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल लाइंस, वो इक्वल हाइस होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल हाइस है, देखिए 1, 2, 3 और 4, तो ऑलमोस्ट इक्वल हाइस और जो सपोर्ट लाइन होती है उसमें हायर लोस बनने चाहिए, तो इस लो से ये वाला लो ऊपर है, इस लो से ये वाला लो ऊपर है, तो क्लियर कट एक असेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है, आप इसको ठीक से देखिए, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, और इसका ब्रेकआउट भी कल आया था 15 मिनट में, लेकिन सेकेंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं की। तो अब अगर निफ्टी में 16700 के ऊपर क्लोजिंग आती है 2 15 मिनट की कैंडल की, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 15 मिनट की निफ्टी में 16700 के ऊपर आती है मंडे को, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट की 2 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर मंडे को, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरी वाली नीचे क्लोज की सेकेंड वाली ऊपर, ऐसा नहीं, 2 लगातार कैंडल अगर 16700 के ऊपर 15 मिनट की अगर आपको मंडे को दिख जाए और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा हो, साथ में जो 700 के ऊपर क्लोजिंग आती है 2 कैंडल की, तो उनमें वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, तो कितना बड़ा तेज़ी आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। -16376 यानी कि हो गया 320 पॉइंट कम से कम और बढ़ सकता है यहाँ से 16700 से, तो 17020-30 का टारगेट इजीली आता है, 17030 तो आराम से निफ्टी जा सकता है, 17030 कितना जा सकता है,
17030, क्योंकि इस ट्राइंगल का जो वाइडेस्ट एंगल है वो 320 पॉइंट की रेंज है। 701 का हाई है, 376 का लो है। ये 300 पॉइंट इस ब्रेकआउट में आप जोड़ दोगे 320 पॉइंट, तो 17030 के करीब निफ्टी इजीली जा सकता है। 17030 प्लस का नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट है और वो मुझे लगता है मंगलवार तक ही आ जाएगा। 17030 प्लस का निफ्टी में ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट है, और इसमें एक और पैटर्न बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कप एंड हैंडल। इसको मैं कप की तरह बना देता हूँ ग्रीन कलर का, ठीक है। ये लाइन को भी थोड़ी मोटी कर देता हूँ मैं, इस लाइन को, तो आप देख सकते हो एक कप, और मैं यहाँ पे एक और हैंडल की तरह बना देता हूँ। ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट आ चुका है हैंडल में, ये आपने देखा होगा कप एंड हैंडल। इस ग्रीन कलर को आप ध्यान दो, एक कप और एक हैंडल बन रहा है, ठीक है। और साथ में मैंने एसेंडिंग ट्रायंगल भी दिखा दिया आपको, इसको एसेंडिंग ट्रायंगल जो ब्लू कलर की लाइन्स है वो एसेंडिंग ट्रायंगल आपको। तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा चांसेस है हम 17030 तक आराम से पहुंच जाएंगे नेक्स्ट वीक में, और मुझे तो लगता है मंगलवार तक ही पहुंच जाएंगे या बुधवार तक, मैक्स मुझे लगता है बुधवार तक पहुंच जाएंगे, वेडनेसडे तक। तो ये निफ्टी का आपको मुझे दिखाना था टेक्निकल। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है 6 मंथ्स का, यानी कि हर एक कैंडल जो है वो एक दिन की है। तो बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ था फ्राइडे को वो बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में 559 का ओपनिंग है, 727 का हाई बनाया, 359 का लो बनाया और 627 का क्लोजिंग किया। तो एक न्यूट्रल बट बुलिश कैंडल है, न्यूट्रल बट बुलिश कैंडल है डेली चार्ट में। अब इसी को हम लोग वीकली देखते हैं इसका, और बैंक निफ्टी मुझे लगता है मंगलवार तक ही 37,000 पार कर देगा, मंगलवार तक ही 37,000 पार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 ईयर्स वीकली चार्ट बना रहा हूँ, यानी कि हर एक कैंडल एक वीक की है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक क्या पैटर्न बना, आप सबको जिसको समझ में आता टेक्निकल, ये 2 कैंडलस्टिक से बनता है। वीकली चार्ट में आपको क्या पैटर्न बना मैं बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं बुलिश हरामी। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न। 2 कैंडल से बनता है ये बुलिश हरामी पैटर्न, इज फॉर्म्ड इन निफ्टी, इन बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। अब बुलिश हरामी क्या होता है वो भी बताता हूँ। बुलिश हरामी मतलब प्रेग्नेंट लेडी। अगर आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रेग्नेंट लेडी कैसे होती है। अब अगर आप ये समझो रेड कैंडल, बुलिश हरामी में जो वाइट कैंडल बनती है वो गैप अप ओपनिंग से बननी चाहिए वीकली, तो वीकली गैप अप ओपनिंग थी है ना। इसका ये चेहरा बना दो प्रेग्नेंट लेडी का, ठीक है, इसको चेहरा मान लीजिए उसका, और इसको पेट में ये बच्चा मान लीजिए इसका, हो गया। ये प्रेग्नेंट लेडी जैसा दिख रहा है आपको, तो ये एक बुलिश है और बहुत ज़्यादा चांसेस है मंडे को जो मार्केट खुलेगा इस हाई के ऊपर खुलेगा और एक बड़ी तेज़ी आएगी जो 37,000 के भी ऊपर ले जाएगी बैंक निफ्टी को। ये सिग्नल यहाँ पर भी मिल रहा है आपके सामने, बुलिश हरामी इज़ ए वेरी बुलिश पैटर्न। और तो नेक्स्ट वीक में अच्छी तेज़ी बैंक निफ्टी में आ सकती है,
और मुझे मंगलवार या बुधवार के आफ्टरनून तक, मंगलवार या वेडनेसडे आफ्टरनून तक मुझे ऐसा लगता है 37,000 भी बैंक निफ्टी क्रॉस कर देगा, जबकि फ्राइडे को क्लोजिंग कितनी आई है 35,627। ठीक है, अब इसी को हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं इसका। अच्छा, इसकी RSI वगैरह भी देख लेते हैं, इसमें तो काफ़ी जगह, छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं, ओवरबॉट की निशानी नहीं है। मंथली चार्ट में भी पिछले मंथ का हाई तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने। पिछले मंथ का हाई था 35,985 जुलाई मंथ का, और अगस्त में इसने 36,317 का नया हाई बनाया है, और अभी तक पिछले कई महीनों का हाईएस्ट क्लोजिंग है ये। देखिए, मंथली में ये हाईएस्ट क्लोजिंग अभी तक का कई महीनों का है। कई महीनों का क्या, ये मंथली क्लोजिंग तो अभी तक की ये हाईएस्ट मंथली एवर क्लोजिंग है, क्योंकि किसी भी मंथ में इसने 37, इसमें 34,803 की आई थी, इसमें कितने की आई थी 35,526, तो हाईएस्ट अब तक की हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग थी। मंथली क्लोजिंग किसको बोलते हैं, 31 तारीख या महीने के लास्ट ट्रेडिंग डे कैलेंडर मंथ के हिसाब से। तो अगर इस महीने में बैंक निफ्टी 35,526 के ऊपर क्लोज करता है मंथली में, तो आज तक की ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग हो जाएगी। ये अपने आप में एक बुलिश सिग्नल है। अब बैंक निफ्टी का हम लोग 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का 10 दिनों का चार्ट है, 15 हर एक कैंडल 15 मिनट की है इसमें। तो इसमें क्लियर कट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, जो रेजिस्टेंस लाइन होती है उसमें लोअर हाईज बनते हैं, मतलब इस हाई से ये वाला हाई नीचे, इस हाई से ये वाला नीचे, और इस हाई से ये वाला नीचे, इसको बोलते हैं लोअर हाईज और हायर लोस। सपोर्ट लाइन में इस लो से ये वाला लो ऊपर और इससे ये वाला ऊपर, तो ये क्लियर कट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इज फॉर्म्ड इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक चार्ट विद हाईज ऑफ 36,249। इस ट्रायंगल का हाई है 36,249 एंड लो ऑफ 34,818। इस ट्रायंगल का लो है 34,818, इन दोनों का डिफरेंस होता है 1431 पॉइंट्स का। तो अगर बैंक निफ्टी में 15 मिनट का कोई ब्रेकआउट आता है 15 मिनट के कैंडलस्टिक में चार्ट में, तो अगर बैंक निफ्टी स्पॉट में दो कैंडल 35,700 के ऊपर बन जाए मंडे के दिन, दो कंजिक्यूटिव कैंडल अगर 35,700 के ऊपर क्लोज हो जाए विद गुड वॉल्यूम्स, दो 15 मिनट के कैंडल, तो आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा 37,130 प्लस। वैसे ही नीचे की तरफ अगर 35,500 के नीचे दो कंजिक्यूटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट की, तो इसका नीचे का डाउन साइड का टारगेट हो जाएगा 34,070। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है 37,000 मंगलवार या बुधवार के आफ्टरनून तक आपको अचीव हो जाएगा। तो ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और वेबिनार अगर किसी को ज्वाइन करना है तो 3 महीने की वेबिनार है, 24 क्लासेस आपको मिनिमम मिलेगी। ठीक है, 24 क्लासेस, और हर एक क्लास 2 घंटे से ज़्यादा की होगी, रात को 8 बजे से होगी, और सिर्फ शनिवार और रविवार को ही क्लासेस होगी या कोई नेशनल हॉलीडे भी होगी। और आपको इसमें एक और फ़ायदा है कि आपको 6 महीने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा, जहां आप जो सीख रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हो जो आपको सिखाया जा रहा है, और 6 महीने तक आपको उस ग्रुप में रखा जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये मत पूछिएगा, टिप्स मत पूछिएगा कि सर L&T बाई करूँ कि SBI बाई करूँ, ये सब सीखने से रिलेटेड उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको रखा जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, फीस 30,000 है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9635476788। भूल से भी फ़ोन किया तो आप लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे।
और अगर आपको उस वेबिनार के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वीडियो का टाइटल। ये वाला वीडियो है डिटेल्स ऑफ 3 मंथ्स वेबिनार, ये टाइटल से आप ढूंढ लीजिएगा, 2 वीक पहले मैंने ये डाला है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको बाकी की डिटेल मिल जाएगी इसमें। तो जय जिनेंद्रा, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स का बटन जरूर दबाइएगा, आपका प्यार चाहिए बस।